बैटमैन द एनिमे विद इन की कहानी में अभी तक आपने देखा, ब्रूस वेन की मुलाकात कैट वोमैन से होती है। कैट वोमैन और ब्रूस वेन दोनों मिलकर के सेंक्टस नाम की एक एजेंसी के बारे में पता लगाते हैं, जो कि एजेंसी का ही एक हिस्सा थी। बैटमैन को पता लगता है कि इस एजेंसी में कुछ गैरकानूनी प्रयोग हो रहे थे। बैटमैन वॉलर से इसके बारे में बात करता है। ब्रूस वेन ट्रिफनी फॉक्स को बता देता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। हार्ली क्विन के लैपटॉप की चोरी का आरोप ब्रूस वेन अपने ऊपर ले लेता है। यह हार्ली क्विन और दी पैक्ट के बाकी के मेंबर ब्रूस वेन को एक चेंबर में जम करके मर जाने के लिए छोड़ देते हैं। अब आगे इस चेंबर में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन के पास उसका फ़ोन है, और उसका वो फ़ोन कोई साधारण फ़ोन नहीं होता, बल्कि एक हैकिंग डिवाइस होता है। उस डिवाइस की मदद से यहाँ पे ब्रूस वेन एक ईएमपी जनरेटर को हैक कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ वो चेंबर काम करना बंद कर देता है और ब्रूस वेन उधर से बाहर निकल आता है। इसके बाद क्योंकि ब्रूस वेन को पता होता है कि दी पैक्ट के मेंबर सेंक्टस पर ही हमला करने के लिए जाएंगे, वहाँ से वो वायरस लेने के लिए, इस वजह से यहाँ पे ब्रूस वेन भी बैटमैन बन करके सेंक्टस में घुस आता है। यहाँ आने पर उसे पता लगता है कि सेंक्टस में घुसते ही दी पैक्ट के मेंबर्स ने यहाँ तबाही मचा दी है। आगे चलने पर बैटमैन को कैट वूमेन मिलती है, जो कि ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, और अभी वो भी दी पैक्ट को रोकना चाहती थी। इसलिए यहाँ पर बैटमैन और कैट वूमेन दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैट वूमेन और बैटमैन आते ही उन लोगों से भिड़ जाते हैं। यहाँ बैटमैन मिस्टर फ्रीज और दी बेन से लड़ता है, और कैट वूमेन हार्ली क्विन को संभालती है। इधर तो जॉन डो है, वो किसी का भी साथ नहीं देता, क्योंकि वो बैटमैन का फैन था और दी पैक्ट का मेंबर था, इसलिए वो दूर रहकर के बस तमाशा देखता है। यहाँ इस हंगामे के ख़त्म होते होते हम देखते हैं कि वायरस की कुछ बॉटल्स ज़मीन पर गिर चुकी हैं, और मिस्टर फ्रीज उन्हें लेकर के भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हार्ली क्विन है, वो मिस्टर फ्रीज के हाथों से एक वायरस की बोतल को लेकर के भाग जाती है, और मिस्टर फ्रीज को एक चेंबर में फंसा देती है। उस चेंबर में एक वायरस की बोतल जो है टूट जाती है, जिससे कि मिस्टर फ्रीज यहाँ इन्फेक्ट हो जाता है, और हार्ली क्विन इस हंगामे का फ़ायदा उठा करके यहाँ से भाग निकलती है। यहाँ पे बैटमैन मिस्टर फ्रीज से बात करने के लिए जाता है और कोशिश करता है कि फ्रीज उसे कुछ बता दे। यहाँ पे जो मिस्टर फ्रीज है, वो बैटमैन को बताता है कि वो उसे हार्ली क्विन की जो लोकेशन है वो बता देगा, लेकिन उसके बदले में उसे एक चीज़ चाहिए होगी। यहाँ मिस्टर फ्रीज कहता है कि जो रिडलर था वो भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था, लेकिन उसने किसी तरीके से इस वायरस को ओवरकम कर लिया था। तो यहाँ पे जो मिस्टर फ्रीज है, वो भी सोचता है कि मैं भी इस वायरस को ओवरकम कर लूँगा, लेकिन क्योंकि उस एयरलॉक का वो जो एयरलॉक था, वो जो चेंबर था, उसका जो टेम्परेचर है वो कहीं ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे जो मिस्टर फ्रीज है अपनी पावर्स का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो अभी वो चाहता है कि बैटमैन उस एयरलॉक का जो टेम्परेचर है उसे बहुत ज़्यादा डाउन कर दे, जिससे कि मिस्टर फ्रीज को उस वायरस को ओवरकम करने का रास्ता मिल जाए। बैटमैन यहाँ पे मिस्टर फ्रीज की बातों के साथ एग्री हो जाता है और कहता है मुझे हार्ली क्विन की लोकेशन बता। यहाँ पे मिस्टर फ्रीज कहता है ये वायरस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाने के कैपेबल है, लेकिन एक चीज़ है जो इस वायरस को एक दवाई का रूप दे सकती है, वो है रिडलर का खून। हाँ, रिडलर के खून के साथ मिला करके इस वायरस से एक दवाई बनाई जा सकती थी,
जो कि किसी भी बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकता था। तो इसलिए यहाँ पे अब जो हार्लिन क्विन है वो गारंटी से रिडलर की बॉडी के पास जाएगी जो कि यहाँ दी पैक्ट के अड्डे पर रखी हुई थी। यहाँ पे मिस्टर फ्रीज कहता है कि तुम्हें कहीं और हार्लिन क्विन को नहीं ढूंढना चाहिए बल्कि तुम्हें पैक्ट के अड्डे पर जाना चाहिए, वहीं पर तुम्हें हार्लिन क्विन मिलेगी। यहाँ बैटमैन अपना किया हुआ वादा पूरा करता है और उस एयरलॉक का टेम्परेचर डाउन कर देता है। ब्रूस वेन और इमान अवस्था यहाँ पे एक साथ दी पैक्ट के अड्डे पे आते हैं और इस चीज़ की खबर जो है अमेंडा वॉलर को बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रूस वेन यहाँ पे आया है किसी चीज़ की खोज में। ब्रूस वेन यहाँ पे उन वाइल्स को देखता है जिसमें कि रिडलर का जो ब्लड था उसे रखा था मिस्टर फ्रीज ने, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि वो जो वाइल्स थी वो जा चुकी थी। इसका मतलब हार्लिन क्विन ऑलरेडी यहाँ से उन्हें ले जा चुकी थी और रिडलर का जो शरीर था वो इस चीज़ के केपेबल नहीं था कि उसमें से और ब्लड निकाला जा सके क्योंकि वो डिकम्पोज होना शुरू हो चुका था। तभी यहाँ पे ब्रूस वेन को एक आवाज़ सुनाई देती है, वो भाग करके ऊपर जाता है। ऊपर जाने पे वो देखता है कि वहाँ पे जॉन डो बैठा हुआ है। यहाँ जॉन डो बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है ब्रूस वेन से क्योंकि अभी वो सोच रहा है कि हार्लिन क्विन क्योंकि उसे उस सेंक्टस वाली फैसिलिटी में अकेला छोड़ गई थी तो इसका मतलब वो उससे नफरत करती है क्योंकि जो ब्रूस वेन है उसने जॉन डो से एक बार बोला था कि उसे मैनिपुलेट कर और तब वो तेरे प्यार में गिरेगी क्योंकि उसे जो है जॉन डो से अपना काम निकलवाना था। इधर जो जॉन डो है वो कहता है कि मैंने उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की इसलिए शायद उसने मेरे को धोखा दिया, बल्कि जॉन डो को ये बात समझनी चाहिए थी कि वो एक साइकोपैथ है और वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकती है। यहाँ ब्रूस वेन जैसे तैसे उसे अपनी बातों में फिर से फंसा लेता है और उससे कहता है कि हार्लिन क्विन को ढूंढ ले। जॉन डो यहाँ पे नाराज ही सही लेकिन ब्रूस वेन की बात मान लेता है और हार्लिन क्विन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस सब के बाद ब्रूस वेन वापस से अपनी बैट केव में आता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि एल्फ्रेड ऑलरेडी उस वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तब एल्फ्रेड को पता लगता है कि ये जो क्योर है जो कि ये वायरस है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि अगर रिडलर का ब्लड मिला दें तो ये एक दवाई बन सकती है, ये दवाई नहीं है क्योंकि ये जो दवाई है किसी भी तरीके की फिजिकल इंजरी या जेनेटिक इंजरी को ठीक कर सकता है बट कुछ टाइम के बाद ये किसी इंसान के दिमाग पे बहुत बुरा असर छोड़ने लगता है, उसे धीरे धीरे साइकोपैथ बनाना शुरू कर देता है। अब हमें यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि जब गेम के शुरू में रिडलर ने बोला था कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था तो इसका मतलब यही था कि रिडलर ने जो है वो वायरस लिया था। थोड़ी देर बाद उसका शरीर ठीक हुआ लेकिन उसका दिमाग साइकोपैथ के तौर पर बदल गया। यहाँ पे जो ब्रूस वेन है ये चीज़ सुनने के बाद और ज़्यादा घबरा जाता है लेकिन यहाँ वो एक चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं कर रहा था कि हार्लिन क्विन उस चीज़ को अपने ऊपर इस्तेमाल करेगी क्योंकि हार्लिन क्विन ऑलरेडी साइकोपैथ थी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं होने वाला था। अब तुम लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हार्लिन क्विन यहाँ पे वो जो वायरस था उसे क्यों चाहती थी, क्योंकि हार्लिन क्विन को जो है एक बीमारी थी जो कि उसे मिली थी अपने पिता से। उसका पिता भी जो है एक बहुत ही भयानक तरीके की बीमारी से जूझ रहा था जिसमें वो अपने दिमाग के ऊपर से कंट्रोल खो जाता था और कई तरीके की जो है उसके साथ प्रॉब्लम होती थी और वो जो है एक जेनेटिक बीमारी थी जो कि अभी हार्लिन क्विन को भी है थोड़ी बहुत स्टेज तक बट बहुत ज़्यादा नहीं है। हार्लिन क्विन चाहती है कि इस वायरस का इस्तेमाल करके वो अपनी उस बीमारी को ठीक कर ले। सो यहाँ पे इसी वजह से जो है यहाँ पे हार्ली क्विन उस वायरस को चाहती है। देखा जाए तो दी पैक्ट के जितने भी मेंबर थे उन सभी को कोई ना कोई ज़रूरत थी ही इस वायरस की, इसी वजह से वो साथ थे सिवाय जॉन डो के, क्योंकि मिस्टर फ्रीज को अपनी वाइफ को ठीक करना था, हार्लिन क्विन को अपनी बीमारी ठीक करनी थी, बेन जो था उसे अपना एडिक्शन दूर करना था उस वेनम सीरम का। सो यहाँ पे दी पैक्ट के जितने भी मेंबर थे उन्हें इस वायरस की ज़रूरत थी, इसी वजह से सभी लोग इसके पीछे नहा धो के पड़े थे। यहाँ ब्रूस वेन को एक मैसेज आता है जॉन डो का और वो कहता है कि मैंने हार्लिन क्विन को ढूंढ लिया है। यहाँ ब्रूस वेन जोकर से मिलने के लिए जाता है जो कि एक हॉरर हाउस में छुपा हुआ था। वहाँ जाने पे ब्रूस वेन देखता है कि वहाँ कुछ एजेंसी के जो एजेंट थे वो मरे हुए पड़े थे। यहाँ आकर के ब्रूस वेन जॉन डो से पूछता है कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ था। जॉन डो उसे बताता है कि एजेंसी के लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे, उसने जो है खुद को सरेंडर करने की भी कोशिश की थी लेकिन तभी एजेंसी के लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उसने हड़बड़ाहट में आकर के इन सभी एजेंसी के लोगों को मार दिया था। लेकिन यहाँ पे जो ब्रूस वेन है उन एजेंसी के लोगों की लाशों को देख करके समझ जाता है कि ये जो लोग हैं हाथापाई में नहीं मारे गए हैं बल्कि जो जॉन था वो कह रहा था कि मैंने इन्हें किसी चीज़ से पीटा है जिसकी वजह से इनकी जान गई है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो देखता है कि एजेंट्स के सीने पे गोलियों के निशान हैं, इसका मतलब जॉन ने उनके ऊपर गोलियाँ चलाई हैं।
यहाँ ब्रूस वेन समझ जाता है कि जॉन डो झूठ बोल रहा है, इसलिए ब्रूस वेन उसे गिरफ्तार करवाने के लिए कहता है। और जॉन डो यहाँ पे भड़क करके कहता है, मैं हमेशा तेरी दोस्ती को सबसे ऊपर रख रहा था, लेकिन मैं गलत था, मुझे हार्लिन को इनकी साइड चुननी चाहिए थी। इतना बोल करके वो यहाँ से ब्रूस वेन को चकमा दे करके भाग जाता है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा खतरनाक बातचीत उनके बीच में नहीं हुई थी, तो ब्रूस वेन ने सबसे पहले आते ही जॉन डो से एक ही बात पूछी थी कि हार्लिन कहाँ है। जॉन डो पूरी बात बिगड़ने से पहले ब्रूस वेन को एटलीस्ट इतना तो बता गया था कि हार्लिन को इन वायरस के साथ ये शहर छोड़ने की कोशिश कर रही थी, और वो भी एक ट्रक के साथ जो कि पूरी तरीके से एक्सप्लोजिव से भरा हुआ था। अब क्योंकि ब्रूस वेन के पास ये नॉलेज थी, इसलिए वो यहाँ से सीधा ब्रिज की तरफ जाता है जहाँ से हार्लिन को इन भागने की कोशिश कर रही थी, और मोस्ट प्रोबेबली जोकर भी हार्लिन को इनके पास ही गया था। यहाँ पे बैटमैन हार्लिन को इनको रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तब बैटमैन को पता लगता है कि वो जो ब्लड सैंपल्स थे रिडलर के, वो हार्लिन को इनके पास भी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि वो जो ब्लड सैंपल्स थे वो हार्लिन को इन ने वहाँ से नहीं उठाए थे, बल्कि एजेंसी ने उठाए थे, और अभी वो जो ब्लड सैंपल था वो एजेंसी के पास था। यहाँ पे बैटमैन हार्लिन को इनको समझाने की कोशिश करता है कि ये जो वायरस है ये तेरे दिमाग को और ज़्यादा ख़राब कर देगा, लेकिन यहाँ पे हार्लिन को इन बैटमैन का विश्वास नहीं करती और कहती है, मुझे बस वो ब्लड ला करके दो, बाकी मैं देख लूँगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अमेंडा वॉलर आ चुकी है। चिंता करने की असली बात ये थी कि यहाँ पे हार्लिन को इन ने जो है उस ट्रक में जितने भी बॉम्ब थे उन सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर रखा था, और उसका जो बटन था, उसका जो डेटोनेटर था, उसे दबा रखा था। अब अगर हार्लिन को इन अपना अंगूठा उस डेटोनेटर से हटाती तो तुरंत ही तुरंत वो ट्रक वहीं ब्लास्ट हो जाता, साथ में वो ब्रिज भी। यहाँ हार्लिन को इन शर्त रखती है कि मैं इन बॉम्ब्स को फटने नहीं दूंगी, बदले में मुझे रिडलर का ब्लड चाहिए। यहाँ हार्लिन को इनके उस ब्लड को मांगने के बाद हमें पता लगता है कि अमेंडा वॉलर के पास भी अब वो ब्लड नहीं बचा है, क्योंकि अमेंडा वॉलर की टीम में से किसी ने उस सैंपल को बर्बाद कर दिया था, और उस सैंपल को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि थी एजेंट ईमान अवस्था। जी हाँ, क्योंकि ईमान अवस्था को लग रहा था कि जो अमेंडा वॉलर है वो इस ब्लड का और वायरस का इस्तेमाल हो सकता है किसी गलत इस्तेमाल में करे, इसलिए ईमान अवस्था ने यहाँ पे वो ब्लड सैंपल्स तबाह कर दिए थे। इस वजह से यहाँ पे अब अमेंडा वॉलर चाहकर भी हार्लिन को इनको वो ब्लड सैंपल्स नहीं दे सकती थी। यहाँ पे बैटमैन हार्लिन को इनके हाथ से वो डेटोनेटर लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक ट्रक आ जाता है, और वो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि जोकर का होता है। यहाँ बैटमैन जोकर और हार्लिन को उनको एक साथ रोकने की कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस डेटोनेटर पे से अपना हाथ हटा लेते हैं, और यहाँ एजेंट्स की और पुलिस वालों की जान खतरे में आ जाती है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए जोकर और हार्लिन को इनसे अपना ध्यान हटा करके लोगों को बचाने पर लगा देता है। और यहाँ इस धमाके का फ़ायदा उठाते हुए जोकर और हार्लिन को ब्रिज से पानी में कूद जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं।